पूरा मुझे सिर्फ एक चीज़ का है कि मैं शो जीत नहीं पाई। तो मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ करा उस जर्नी में। यार मैं दुश्मन तो नहीं कंसिडर करती उनको, क्योंकि दुश्मन के लिए भी एक लेवल होना चाहिए। मेरे को रणविजय सर बहुत पसंद है एंड मेरे को नेहा मैम भी बहुत पसंद है। रफ्तार वॉज माई फेवरेट टू। अगर मैं प्रिंस भाई के गैंग में नहीं होती, आई वुड लव टू बी इन रियल मैम गैंग। लगता है प्रिंस भाई वॉज द राइट पर्सन देयर। गौतम सर हमेशा पोक करते थे कि मैं दिखूँ, मैं ही सामने रहूँ, ये तीन लोग मेरे लिए विनर है, अगर कोई बने तो इनमें से बने। एंड मेरा रियलिटी एंड माय सेक्सुअलिटी इज डिफरेंट। तो मेरे को उस शो का नाम खराब नहीं करना। अभी लोगों ने से मेरा गुस्सा देखा है तो उनको पता है ये भाई बंदी मुंहफट है। आई एम नॉट अ पर्सन जो सीरियल में सास बहू वाला रोल कर सके या मैं रो सकूं पूरे टाइम मैं रोती रहूं। हाय प्रियंका, फर्स्टली वेलकम टू टेलीचर्स का। सो यू नो रोडीज का फिनाले है एंड उसके कुछ ही टाइम पहले आप बाहर निकली है, तो उस चीज का थोड़ा सा यू नो बुरा लग रहा है कहीं ना कहीं, या लग रहा है कि जो करना था जर्नी में सब कुछ कर लिया? यार बुरा मुझे सिर्फ एक चीज का है कि मैं शो जीत नहीं पाई, टू बी ऑनेस्ट। एंड मेरे को किसी चीज का गम नहीं है। आई वॉज एबल टू शो माई पर्सनैलिटी। मैं वोकल थी, मैं अपने गैंग के अगेंस्ट भी बोलती अगर वो गलत है, मैं लोगों से भी लड़ती थी अगर इफ दे आर रॉन्ग। एंड मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ करा उस जर्नी में। मैंने बाइक चलाई है, मैंने कम्युनिकेशन, मैंने दोस्त बनाए, मैंने लोगों का ट्रस्ट जीता है जब तक शो खत्म हुआ है। तो मेरा कुछ कमी नहीं थी, बट एक चीज रह गया कि वो विनर वाला टैग रह गया। सो आई थिंक आई एम केपेबल ऑफ विनिंग द शो, बट कोई नहीं। ओके, इस शो में ऐसा भी होता है ना कि दोस्त काफी बने, दुश्मन काफी बने, तो आपके दोस्त और दुश्मन कौन थे ये बताएं? यार मैं दुश्मन तो नहीं कंसिडर करती उनको, क्योंकि दुश्मन के लिए भी एक लेवल होना चाहिए, तो मैं उनको उस लेवल पे कंसिडर ही नहीं करती हूँ। बट मैं दोस्त के नाम बता सकती हूँ, बाकी आप खुद ही जज कर लोगे कौन किन से बात नहीं होती है। तो आई एम वेरी क्लोज टू ग्यारी, शिवित, वासु, आशिका, भूमिका, श्यान, ऋषभ, मोगली, राइट, तनु ऑल्सो, एंड पल्लवी स्पेशली फ्रॉम द अदर गैंग, रूपा दी हो गई हमारे साथ। यस। I'm close to all of them. सो टॉकिंग अबाउट ओवरऑल जर्नी, यू नो इंटरव्यू, मतलब जो भी पीआई राउंड था वहां से लेकर यहाँ तक, आप आपकी जर्नी को कैसे देखते? इतने स्ट्रांग इंडिपेंडेंट, मतलब कैसे यहाँ तक सफर तय किया? आपको लगता है आपने सारी चीजें फुलफिल कर ली जो आप रोडीज के लिए सोच कर आई थी? मुझे लगता टॉकिंग अबाउट द गैंग लीडर्स, आपके फेवरेट गैंग लीडर कौन थे? जिनके गैंग में आप थे, खैर वो तो रहेंगे ही, लेकिन उनके अलावा आपके फेवरेट गैंग लीडर कौन थे इस सीजन से बताना है मुझे। इस सीजन से, प्रीवियस सीजन से, एनीथिंग यू लाइक? मेरे को रणविजय सर बहुत पसंद है एंड मेरे को नेहा मैम भी बहुत पसंद है। रफ्तार वाज माय फेवरेट टू। इस सीजन से मेरा कोई और गैंग लीडर फेवरेट नहीं है, बट आई अप्रिशिएट रिया मैम बिकॉज शी इज अ स्मार्ट वुमेन, एंड स्मार्टनेस इतनी है कि आप पकड़े ना जाओ और आप अपना काम कर दो, दैट काइंड ऑफ स्मार्टनेस शी इज विद। तो मुझे लगता है रिया मैम वॉज द वन फ्रॉम दिस सीजन। अगर मैं प्रिंस भाई के गैंग में नहीं होती, आई वुड लव टू बी इन रिया मैम गैंग। वहां पे शायद मेरे को ज्यादा और मौके मिलते परफॉर्म करने के, और शायद मैं वहां पे अंडरडॉग नहीं होती। जैसा कि आपने प्रिंस सर का जिक्र कर ही लिया है, आप उनकी गैंग में भी थी, सो यू नो बेटर, बाहर जो भी यू नो बंटर चल रहा है, जो भी झगड़े चल रहे हैं, उस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे? प्रिंस सर को कई चीजों के लिए अप्रिशिएट भी किया गया है, प्लस कई चीजों के लिए ट्रोल भी किया गया है, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मुझे लगता है हमें प्यार करने वाले और हमारे को नफरत करने वाले लोग होते हैं। अगर आपसे प्यार कर रहे हैं लोग नफरत भी करेंगे, नफरत कर रहे हैं तो प्यार भी करेंगे। तो अगर इनकी लड़ाई की बात करें तो मुझे लगता है प्रिंस भाई वॉज द राइट पर्सन देयर। जो मैं अकेले नहीं बोलती, जो जीजी गैंग के लोग थे वो भी बोलते हैं, अभी बाहर आके अपनी लाइफ में बोलते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलते हैं कि जितना सपोर्ट प्रिंस भाई ने करा ना, उतना किसी और गैंग लीडर ने नहीं करा है। तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट ही हैज अर्न इन द शो, जबकि उनकी सिर्फ एक लड़ाई एक ही बात की थी, ये शो कंटेस्टेंट्स का है, गैंग लीडर्स का नहीं है। और गौतम सर हमेशा पोक करते थे कि मैं दिखूं, मैं ही सामने रहूं। तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारे साथ अनफेयर हुआ कि गैंग लीडर्स को काफी आगे ज्यादा पुश मिल गया
एंड हमें ज्यादा नहीं मिल पाया, बट हमें में से मतलब मैं नहीं हूँ, बाकी और लोग हैं, क्योंकि मैं तो दिखी हूँ, हाँ मैं दिखी हूँ, मैं लोगों को पसंद आई हूँ, जैसे मेरी पर्सनालिटी है, जैसे मेरा कैरेक्टर है, लोगों को बहुत पसंद आया, एंड आई एम सो ग्रेटफुल ऑफ एमटीवी कि उन्होंने जितना भी मुझे दिखाया वो एग्जैक्टली सेम वे में दिखाया जैसे मैं हूँ। लोग कहते हैं रियल नहीं है, रियलिटी शो रियलिटी नहीं दिखाता, ये वो वगैरह वगैरह, बट आई एम सेइंग इन अ डिफरेंट वे कि एमटीवी ने रियल चीज दिखाई है ना, आप ही बता। या ट्रू। इन सब के अलावा आप विनर तो खैर नहीं बन पाए अनफॉर्चुनेटली, बट विनर बनते हुए किसको देखना चाहती है? इफ नॉट यू, हुम आर यू सपोर्टिंग? ऑफ कोर्स फर्स्ट माय गैंग, जिनमें से मैं आशिका और शिवित को आगे पुश देना चाहूंगी, एंड दूसरे गैंग में से मैं वासु को पुश देना चाहूंगी, दैट्स इट। ये तीन लोग मेरे लिए विनर है, अगर कोई बने तो इनमें से बने। ओके, टॉकिंग अबाउट अदर रियलिटी शोज, बिग बॉस भी ओके, आने वाला है, देन झलक इज ऑल्सो देयर। सो इफ यू आर अप्रोच्ड, आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस रियलिटी शो, इवन स्प्लिट्सविल और समथिंग लाइक दैट? मुझे लगता है स्प्लिट्स के लिए मेरा जैसा कैरेक्टर वहां हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहां लड़के ले नहीं पाएंगे इतना ज्यादा, है ना, उनको हाँ थोड़ा अपना मैन पावर रखना जरूरी रहता है उस शो में, स्प्लिट्स में स्पेशली, और स्प्लिट्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, एंड मेरा रियलिटी एंड माई सेक्सुअलिटी इज डिफरेंट, तो मेरे को शो का नाम खराब नहीं करना है जस्ट टू बी इन द शो एंड सीन ऑन कैमरा, तो नॉट स्प्लिट्स विला बट एनी अदर शो आई एम अप फॉर इट। और ये चीज आपको अपने पेज पे इन लोगों से पूछनी चाहिए जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि प्रियंका गुप्ता को बिग बॉस करना चाहिए कि नहीं, एंड आई वुड से 90% ऑफ पीपल विल से यस उसे करना चाहिए, बिकॉज दिस टाइम दे विल एबल टू सी द फन साइड, द रोमांटिक साइड ऑफ मी। अभी लोगों ने सिर्फ मेरा गुस्सा देखा है तो उनको पता है ये भाई बंदी मुंहफट है, अब वो आने वाले और रियलिटी शो में देखेंगे शायद ये बंदी कितनी फन है, ये अपना काम कैसे निकालती है, और ये कितनी रोमांटिक है, अगर मुझे कोई मिलता है शो में नहीं, तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट एंड आई एम आस्किंग एवरीवन हु इज वाचिंग दिस, गो टेल एमटीवी और एनीवन, जस्ट पिच माय नेम फॉर बिग बॉस। वाह, वी वुड लव टू सी यू। जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल रही है, वी वुड लव टू सी यू। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, एक्टिंग के बारे में आपने क्या सोचा है? क्योंकि जिस तरह से आपकी पर्सनालिटी है, बोल्ड, ब्यूटीफुल, एवरीथिंग, सो आगे कुछ सीरियल्स आते हैं या वेब सीरीज आती है, आर यू अप फॉर इट एज वेल? आई एम नॉट अ पर्सन जो सीरियल में सास बहू वाला रोल कर सके, या मैं रो सकूं पूरे टाइम मैं रोती रहूं, मेरे को नेगेटिव मूवीज या नेगेटिव भी हो बट पॉजिटिव भी हो मूवीज में, जैसे अगर आपने फास्ट एंड फ्यूरियस वगैरह मूवीज देखी हो, या या इन द या कैरेक्टर लेटी, एंड एक्समैन में जो फीमेल ओवरपावरिंग कैरेक्टर्स हैं वहां पे, मेरे को वैसी पर्सनैलिटी पसंद है टू बी ऑनेस्ट, कि जहाँ पे बंदी फाइट कर रही हो और दिख रही हो, नॉट जस्ट लाइक हाँ रो रही है, एक लड़के का सहारा ले रही है, वो लड़का उसे बचा रहा है, एक हीरो एक हीरोइन है, हीरो ने हीरोइन को बचाया, हाँ सीन खत्म, नहीं, इट कुड बी मोर मोर स्पाइसी, मोर मोर एंटरटेनिंग, मोर क्रिएटिव। ओके, सो लास्टली, एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू योर फैंस? लाइक क्या कहेंगे आगे, कहाँ दिखने वाले हो? गाइज आई एम डूइंग माई पॉडकास्ट, आई एम स्टार्टिंग माई पॉडकास्ट सून, तो मेरे को आप रेगुलरली चेक कर सकते हो ऑन माई पॉडकास्ट, एंड आई एम गोना हैव अ लॉट ऑफ इंटरव्यू विद अ डिफरेंट डिफरेंट सेलिब्रिटी, आई एम गोना गिव नेम एंड यू गाइस गोना वोट ऑन देम कि मैं वाह, किसको बुलाऊं और कैसे बुलाऊं, तो आप मुझे उसमें देखेंगे, बट उसके अलावा शायद अगर मुझे ऑफर आ गया, अगर आप लोगों ने चाहा, आपकी दुआ रही कि मैं बिग बॉस करूँ या खतरे कोई भी रियलिटी शो करूँ जिसमें इंडिविजुअलिटी दिखती है आपकी, तो आई विल बी ऑन दैट शो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल दिस एंड लिसनिंग टू अस। यस, ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी एज वेल। थैंक थैंक यू सो मच रिधि, यू, यस। बाय बाय।